किसी भी हल्के से मियाँ वाली से या पार्टी पर मुश्किल वक्त है, आपके भाई की पार्टी है, आपको तो आगे आना चाहिए था। नहीं, बहुत लोग हैं जो इलेक्शन लड़े, आपके लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स वापस लिए जा रहे हैं, कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, तो सूरत हाल में आप लोगों को भी आना चाहिए मैदान में, क्या सोचते हैं? क्या मतलब है, ताकि हम जब बाहर निकले तो क्या नॉमिनेशन पेपर छीन लें, फिर हमें मारे, जेलों में डाले, नहीं तो फिर तो बाहर हो रहे लोगों के साथ जो जुर्म हो रहा है, आपको पता है, ये तो हमें ये अफसोस होता है कि जो ये जो स्टेट की दहशतगर्दी हो रही है, वो इमरान खान ने एक बात जब हम जेल में थे उन्होंने कही थी, आपको पसंद आएगी क्योंकि वो क्रिकेट टर्म्स में थी, उन्होंने कहा आमतौर पर नवाज शरीफ अपने एम्पायर खड़े करता है, अब उसने दो एम्पायर खड़े किए हैं, दो एम्पायर, और हमने पूछा कौन, उन्होंने कहा सबको समझ आ जाएगी कौन से दो एम्पायर, और वो कह रहे हैं टीम ही को अंदर ना किसने दो फील्ड में। अच्छा समझ आ जाएगी सब। मैडम आज आपने समाअत का अहवाल जाना, जो फैसला ट्रायल कोर्ट का था वो पढ़ कर सुनाया सलमान अकरम राजा ने, अदालत ने हैरानगी का इजहार किया कि इतने गवाहान का बयान कलमबंद किया जा रहा है और इन कैमरा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? आप समझती हैं कि इस कोर्ट से दोबारा फैसला आ सकता है कि ओपन कोर्ट हूँ? लेकिन मुझे तो नहीं पता यहाँ ये कोर्ट क्या फैसला करेगा, लेकिन जो जेल में हो रहा है वो एक मजाक है, अब आप मजाक के ऊपर क्या बात करें, मजाक ही है ना, अव्वल तो ये केस होना ही नहीं चाहिए, 20 दफ़ा सबको पता कि होना नहीं चाहिए, तो ये जो मजाक हो रहा है ये कितनी देर चलेगा ये नहीं पता, जिस पे सजाए मौत मजाक करके उसके बाद इमरान खान पे सजाए मौत की अगर दफात हैं इस के ये जो उनके पर चार्जेज हैं, तो क्या उस पर सजाए मौत लगानी है या उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट करनी है? अगर उसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने पहले बना लिया है, वो तयशुदा है, इससे तो 8-8 विटनेसेस जल्दी जल्दी ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है ना, ताकि मेरे ख्याल में क्या पता उन्होंने 30 तारीख रखी हो कि उनको सजाए मौत सुना दे। कल इत्तेजाज साहब से और लतीफ़ खोसा साहब से हमने कहा कि एक भुट्टो साहब के साथ भी इस तरह अदालती कत्ल किया गया, उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब को हम नहीं बचा सके लेकिन हम इमरान खान साहब को अल्लाह की मदद से बचा लेंगे। एक सेकंड, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, तब आप जैसी जवान नस्ल नहीं थी, ना ही आपके पास ये कैमरे थे और फ़ोन थे, और आप लोग हैं आवाम के नुमाइंदे, क्योंकि आप उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं, भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे ये नहीं था, और आज जो अब जो हो रहा है, एतजाज ऐसे ने ये भी कहा कि उस वक्त जो जुल्म हुआ था डिक्टेटर्स ने किया था, कहते वो कुछ भी नहीं था जो आजकल सबके ऊपर हो रहा है, इसकी तो नवीयत नहीं मिलती बिल्कुल नहीं, कहते आजकल का तो कहते हैं कभी हमने ये चीज़ सोची भी नहीं थी और देखी भी नहीं थी कि ये शायद मकबूजा कश्मीर और गाजा के साथ हो। मैम कोई उम्मीद है वैसे? कुछ उम्मीद बेटा, उम्मीद पे दुनिया चलती है, हम नहीं, अल्लाह से नामुमकिन नहीं होते, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये कहना था हलीमा खान साहिबा का। आपसे कुछ देर कबल साइफर केस की इंतहाई अहम समाअत हुई है और कल तक समाअत मुलतवी हुई, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है, अब देखते हैं क्या फैसला आता है, लेकिन हलीमा खान का ये कहना था कि इमरान खान साहब को हम नहीं छोड़ेंगे और ना ही इमरान खान का साथ छोड़ेंगे, और जिस तरह भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी अदालती कत्ल किया गया, इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होगा।